जूम्स पे आप लेसन ले रहे हैं, जब जूम्स पे आप लेसन ले रहे हैं तो आपके पास बुक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको रेफर करेंगे। रेफर करने के बाद जो हमने पढ़ाया उससे आपको डबल बेनिफिट होगा, बच्चे को याद होगा कहाँ किस बुक से फ्रॉम विच लेसन ये मटेरियल आया है। तो आप जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी हमारे भाई हैं जिनको ऐसे क्षेत्र हैं, उनको भी थोड़ा सा जागरूक करें अपने पड़ोस में, भाई ये जूम एक सॉफ्टवेयर है, अपना बच्चे को अपना नाश्ता, बीच में बच्चा कहीं छोड़ेगा नहीं, बच्चा भूखा है उसने नाश्ता नहीं किया ये तो अपन की गलती है। सो बच्चे को अपना नाश्ता वास्ता देखे, अपना बैठाए उसको और नहला दिला के बेल अच्छे कपड़ों में, ये नहीं कि अपनी बस नेकर से या अंडरवियर से बच्चा आके बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें फॉलो करना होगा। ये डेकोरम है, एक ऑफिस का जो शिक्षा है, एक हमारा मेन हथियार है जिसके माध्यम से हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, अपने बच्चों का विकास कर सकते हैं। ये एक आप ये मत समझिए कि आज हम शिक्षा पाके नौकरी पाके एक और अच्छा अवसर बनके खाने के लिए अच्छा रहने के लिए ही साधन जुटाएं। अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छे नागरिक भी होंगे, आप इसमें कोई डाउट्स नहीं है। आप लोग हमारे टीचरों को कॉपरेट करें, हम आपको आई एश्योर यू वी विल कॉपरेट 100% मोर देन 100% टू यू ऑल एंड वी आर दिस स्कूल रॉयल इंडियन स्कूल ओनली 2 इयर्स 3 इयर्स पहले खुला था हमने। आपकी अभिलाषाओं इच्छाओं के अनुसार ये हम जो भी आपकी कुछ आकांक्षाएं होंगी कि भाई इसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए, आई एश्योर यू डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑल्सो, बट आपका कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अस, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, सारे पेरेंट्स कल आप 5-10 पेरेंट्स को और जोड़ें, जब भी मीटिंग हो उनको बताएं कि ये प्रोग्राम था जूम में, ये लिंक हम देंगे, सारे पेरेंट्स को जोड़ें और जब भी आप कहेंगे हम मीटिंग एक उचित समय देख के हम कंडक्ट कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप जानते हो 2 साल हमारा बहुत बुरा गया है, बहुत गलत समय था, बहुत बच्चों ने माँ बाप ने अपने पेरेंट्स को खोया, ये ईश्वर के सामने हमें झुकना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु फिर भी उम्मीदों के सहारे जीना और एक धरातल पर जीना कि हमें सीखना चाहिए। और बच्चों को देखो एजुकेशन, अब मेरे को नहीं लग रहा कि क्लासे हो सकती हैं जुलाई में अगस्त में, बट जो 2 साल पहले हमारा 19 और 18 में जो स्कूल चला था और बच्चे आते थे और हमारा जो प्रोग्राम्स होते थे कल्चरल प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स प्रोग्राम, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें 5-6 महीने का, और समय परिवर्तन ये दिस इज सर्कल ओनली, समय चेंज होता रहता है, तो उसमें समय जरूर बदलेगा और बच्चे आपके आगे निकलेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी तो हम भी खुश होंगे। हमारा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि हम लोग स्कूल के थ्रू आपसे पैसा कमाने का, हमारा ये है कि एक स्कूल जो खोला है अच्छी रेपुटेशन के साथ चले, आपके बच्चे डॉक्टरी में इंजीनियरिंग में IIT में NIT में निकले तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए। हमारे टीचर हैं, उनके नंबर आपके पास हैं, उनसे जब भी आप 24 आवर्स यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम, कोई भी क्योरी है आपकी उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग अब एकदम थोड़ा सतर्क और एकदम तत्पर होके और अपने बच्चों को जूम के थ्रू एजुकेशन जरूर दिलाएं और जो भी बुक्स वगैरह जरूर खरीदें, और ये हम शुरू करेंगे बहुत जल्दी, आई थिंक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द जूम क्लासेस। और डेली क्या पढ़ाया है उसमें ये सब आपके पास, आपको भी थोड़ा सा होना चाहिए, क्या मालूम बच्चे से पूछना चाहिए आज क्या जूम के थ्रू पढ़ाया है, कौन सा लेसन था, फ्रॉम विच बुक, तो ये इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द ऑल चिल्ड्रंस। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें और विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द टीचर्स दे विल मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स, दैट आई कैन से। थैंक यू। हाँ, इसमें कुछ बातें मैं और बोलना चाहूंगा। किसी ने हैंड रेज किया है, हाँ बताइए कौन बोलना चाह रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो अपने आप एक एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। साक्षी चौधरी, साक्षी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या कुछ बोलना चाहते हैं। प्रदीप शर्मा जी, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है तो अपने आप को अनम्यूट करके वहां से नीचे से और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ अगर डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ चीजें क्लियर करनी है तो आप बताइए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो रूम है ना, उसमें जब लाइव क्लासेस चलती है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो उसमें आवाज इतना गूंजती है कि क्लियरली वॉइस नहीं आती है। अब क्लियरली वॉइस नहीं आएगी तो बच्चे के समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। अभी अभी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं तो आपको बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नहीं, अब इस जगह पे जहाँ आप बैठे हो यहाँ तो मैं क्लियरली सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपने पहले यूट्यूब पे उस पे सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियोज भेजी थी, वो मैंने सुना था, तो एक साउंड गूंजता है,
बिल्कुल, मैं देखिए मैं क्योंकि क्लास तो एकदम खाली है, क्लास खाली है तो साउंड तो गूंजेगा अंदर। उस चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार जो था वो रिकॉर्डेड वीडियो था, मोबाइल से, मोबाइल को सामने दूर रख के तब आपको रिकॉर्डेड हुई थी आवाज, तो इसलिए उसमें ऐसा इश्यू आया था। लेकिन अभी आप जूम से जब जुड़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल जैसी मेरी अभी आवाज आ रही है ऐसी ही आवाज बच्चों को आएगी, तो उसका आप वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और कोई चीज? नहीं वो तो और होगी तो बताते हैं। साक्षी चौधरी जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो इसमें मैं ये कहूंगा, एक तो कुछ लोगों ने अटेंड किया मीटिंग, कुछ लोग नहीं कर पाए हैं, जैसे भी है। दूसरा ये कि अगर बच्चों को आप जूम पे अगर क्लासेस में ऑनलाइन अटेंड करवा रहे हैं, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम सभी लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, किस सराउंडिंग में आप बैठे हुए हैं, किस व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, तो बच्चों को भी एक ये डेकोरम मेंटेन करने के लिए बोलिए। ये नहीं कि कोई बनियान में आ गया, कोई एकदम अजीब ही अवस्था में बैठा हुआ है और पीछे पता नहीं कुछ चल रहा है, ये सब चीजें। इसलिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है जूम पे, वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे, एकदम जो डेली रूटीन होता है, जैसे अपने नहा के एकदम रेडी होके, कुछ भी अच्छे कपड़े पहन के, हाथ में कॉपी लेके और तब बैठे। अगर अननेसेसरी इस तरीके से कुछ होगा तो उस बच्चे को फिर हम तभी वीडियो को उसका स्टॉप कर देंगे। तो इस चीज का बेसिकली बहुत ध्यान रखा जाए कि एक डिसिप्लिन और डेकोरम प्लीज क्लास का मेंटेन करके रखिएगा, कोई भी इसमें बदतमीजी या कुछ इस तरीके से चीजें नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, कोई टेक्निकल अगर इश्यू होता है तो मारुति जी का नंबर है आपके पास में, क्लास टीचर का नंबर है, जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है उस टीचर का आपके पास नंबर होगा। स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मिनट दिए जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है कि हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ और चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो उसको आप मीटिंग्स क्लास शुरू होने से पहले ही टीचर से कॉन्टेक्ट करके और चीजें क्लियर करें। तो 1-2 दिन में शुरू में हो सकता है कि दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो काफी स्मूथली क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अभी देखा जाए तो सभी जगह ऑलमोस्ट यही मॉडल फॉलो हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आपके सभी, जहां तक मैं जानता हूं कि छोटे बच्चे तो मोबाइल से चिपके रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो देखे, कुछ भी देखे, उनका 2-3 घंटे मोबाइल पे ही गुजरता है। तो हो सकता है बच्चे इस चीज में एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए कि वो ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू क्लासेज अटेंड करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। तो इसको पॉजिटिवली हमको यूज करना है। इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ भी इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे स्टाफ के, स्पेशली मारुति जी के, इनके नंबर आपके पास में है, कभी भी इनको कॉल करके और 1-2 दिन में चीजें क्लियर करें। दूसरा ये कि हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो क्लासेज है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, वो क्लासेज लाइव होंगी, तो जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे आप अटेंड करवाइए, बाद में वो क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। पिछले साल तो ये था कि रिकॉर्डेड थी तो हम ठीक है यूट्यूब पे डाल दिया या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाल दिया, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो अगर किसी को टाइमिंग में इश्यूज है, कोई अगर सुबह या जो भी है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे अगर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसको पहले ही टीचर से डिस्कस करे, जो टीचर क्लास लेने वाला है उनको बोले कि सर ये टाइम हमें सूट नहीं करता है, और जो भी मेजोरिटी का व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम टाइम सेट करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रॉबली मॉर्निंग का ही, जो जैसे स्कूल का टाइमिंग रहता है उसी बीच में टाइम रहेगा क्लासेस का, तो अपने आप को, अपने बच्चों को उस तरीके से रेडी करके रखिएगा। ठीक है मारुति जी, अवधेश जी, कुछ और कहना चाहें आप, पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो बोलिए प्लीज। ये सर, अभी तो जो पेरेंट्स अभी और भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर मीटिंग को, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनको भी फिर इन्फॉर्म तो किया ही जा चुका है, कल से देखते हैं धीरे धीरे कांटेक्ट करके, और अभी तो सर स्टार्ट करने में 1-2 दिन लग जाएगा, क्योंकि सर काफी ज्यादा फीचर बताना पड़ रहा है सर पेरेंट्स को। नहीं, उस चीज के लिए मेरे पास सॉल्यूशन यही है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके घर में कोई भी स्कूल में 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा है, कॉलेज में पढ़ने वाला, आपके आस पड़ोस में पक्का होगा, उनको एक बार आप 5-10 मिनट बिठाइए और उनको बोलिए कि हमको जूम कैसे यूज करना है, कैसे वो दो आपको 5 मिनट में वो यूज करना सिखा देगा। तो आप फोन पे अगर किसी को कॉल करेंगे या टीचर से पूछेंगे, उसकी बजाय बेटर है कि आप आस पड़ोस में किसी ऐसे आदमी से पूछे, किसी यंग यूथ से, किसी स्टूडेंट से, वो आपको क्लियरली ये सब चीजें बता देगा कि यूज कैसे करना है। बहुत ईजी है, आप 2 मिनट में, मतलब बस कुछ नहीं है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, एक लिंक आपको दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक किया आप डायरेक्ट मीटिंग में होंगे। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल सीखने वाला या ऐसा कोई चीज नहीं है, बहुत आसान है ये। फिर भी आपको, आपको हम कोऑपरेट करेंगे, टीचरों से भी आप पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अगर और कुछ कोई बोलना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी बात कर सकते हैं।
बाकी देखते हैं, एक दो दिन में हम स्टार्ट करेंगे। शुरू में 2-3 दिन हो सकता है कुछ कुछ छोटी मोटी डिफिकल्टीज फेस हो, बाद में सब स्मूथली हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुसुम 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 ने हाथ उठाया हुआ है, तो कुसुम अपने आप को अनम्यूट करके और फिर बोलिए क्या बोल पूछना चाहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए पहले। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई ज्यादा डाउट है नहीं है। कल से हम ये स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन थोड़ा सा ट्रायल बेसिस पे रहेगा, उसके बाद में सारा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है चैप्टर वाइज क्लास वाइज चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेप्स हैं जो जून को स्टार्ट करने के लिए वो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। क्या करना है आपको मोबाइल में या जो भी है, वो स्टेप जो मॉडलिटीज है वो मारुति जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्हाट्सएप पर डाल दें, जिससे सब पेरेंट्स उसको फॉलो करते हैं और जून के थ्रू इस पे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, यस सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर बॉडी? जो कोई बोलना चाहता है अनम्यूट करके और आए बात करें भी, क्या आपको समस्या आ सकती है? सर फोर्थ के बच्चे फिफ्थ में हो गए? फोर्थ के बच्चे फिफ्थ हो गए, यस, ऑल प्रमोटेड। उसका सर्टिफिकेट हम आपको अभी स्कूल खुलते ही निकाल के दे देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक्स सर। ठीक है, तो आई थिंक मीटिंग को यहीं पे स्टॉप किया जाए। फिर और कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप बोलिए। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। इस पे देखो ऐसा है, हम क्लासे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। हम क्लासे स्टार्ट करेंगे कल परसों में और उसको 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तब ही पेरेंट्स उसमें जुड़ पाएंगे। ये नहीं कि हमारे 4 पेरेंट्स जुड़े और 8 पेरेंट्स नहीं जुड़े, हमने क्लासे होल्ड कर दी, क्लासे स्टार्ट नहीं की, तो हमारे लिए बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होगा वो। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा ऑल टीचर से कि वो कल से ही क्लासे कुछ स्टार्ट करें चैप्टर्स, और जैसे ही पता लगेगा कि भाई क्लासे स्टार्ट हुई है तो जूम पे और बच्चे भी वो जोड़ेंगे, एक बात फैलेगी, तब तक ये उनकी समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। हम वेट वेट करते करते फिर हमें 10 दिन हो जाएंगे तो वी विल डिले, तो क्यों नहीं हम कल से ही स्टार्ट करें। पहला लेसन कल से स्टार्ट करिए, जो पेरेंट जुड़ते हैं जिस क्लास के उनको फोन करिए आज मोबाइल पे। मैं मारुति जी से रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करें, कल टाइम दें 6th के बच्चों को, 7th के बच्चों को और 5th के बच्चों को, कितने पेरेंट्स कल रेडी है जुड़ने के लिए, और कुछ स्टार्ट करें। यस दादी आ गई। हेलो सर। हाँ हाँ वो कुलदीप, मैं कुलदीप मीना बोल रहा हूँ। यस बोलिए बोलिए। किस दिन से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी? कल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दे देंगे जो रॉयल का हमारा ग्रुप है उसमें, और आप उस समय आपको 2 घंटे पहले मैसेज देंगे, जिससे कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए। मारुति मारुति जी एक बार इनको कॉल करके आप एक्सप्लेन कीजिएगा। और आपके पास पेन पेन और पेपर जरूर होना चाहिए हाथ में, जब भी आप जूम पे जुड़ते हैं पेन पेपर जरूर होना चाहिए, कुछ भी नोट करवाते हैं तो टीचर नोट कर लेना चाहिए। ठीक ठीक सर, है ना। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? क्लास की बुक्स अवेलेबल हैं क्या अभी? हाँ क्लास की बुक्स अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट 7th क्लास, 7th क्लास का क्योंकि ऑनलाइन जब क्लास चलेगी अगर बच्चे के पास बुक्स सामने होगी तो और अच्छा रहेगा समझने में। आप स्कूल से खरीद सकते हैं, अवेलेबल। आपने आपने शायद स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने बोला था वो कि अभी 4-5 दिन 8-10 दिन हम चलेंगे कि उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको पहले PDF आपको मोबाइल पे भेज दी जाएगी। बाद में जैसे ही स्कूल वगैरह अनलॉक होगा, लॉकडाउन खुलेगा थोड़ा सा, तो हम उस टाइम पे बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप स्कूल से ले सकते हैं बुक्स। देखो PDF भेजोगे, PDF मोबाइल में रहेगी, बच्चों को आप जैसे पढ़ा रहे हो बुक्स के सामने रहे तो वो इजीली ना, बुक्स मिल जाएगा आपको, मिलेगा बुक्स, मिलेगा, तुरंत मंगवा रखिए बुक्स, डोंट वरी। हाँ और नहीं होंगी तो इंडोन से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका हम सोल्यूशन, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ बट वो 2-3 दिन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए 6-7 दिन लग जाएंगे चीजों को। अब जानते हैं थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, जयपुर वयपुर जाना पड़ेगा उनको, पर हम स्टार्ट तो करें। वाई वी शुड वेट फॉर दैट टाइम बुक्स एंड अदर थिंग्स, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे पेरेंट नहीं जुड़ पाएंगे, बच्चों को नुकसान होगा, कुछ तो सीखेंगे उसको, वी विल रिपीट अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम। 2-4 दिन में हम उसको रिपीट कर देंगे क्या पढ़ाया हमने, उसको रिपीट हम करेंगे, कोई डाउट नहीं है। राइट राइट। तुलसी एनीथिंग यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू द पेरेंट्स? तुलसी मैम। यस सर। Everyone is hearing me properly?
यस यस यू कैन स्पीक। यस यस सर, बस एक ही बात बोलनी थी सर कि बस एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर मिल जाए तो एक अच्छा बेहतरीन एक हम क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर पेरेंट्स के ओर से अगर हमें 100% मिला तो हम 200% देने के लिए बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे सर। तो पेरेंट्स की ओर से ज्यादा अच्छे हमें कोऑर्डिनेशन मिलना जरूरी है सर। डेली अगर बच्चे जितने ज्यादा ज्वाइन होंगे उससे ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है सर इवन टीचर्स के लिए। यस, तो बस यही कहना चाहूंगी कि जितने ज्यादा अगर स्टूडेंट ज्वाइन होंगे वो ज्यादा बेहतर होगा सर। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा पेरेंट्स को, दैट इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट कॉल करिए, आज कॉल करिए सब 5th 6th 7th के बच्चों को। आई गेस सर पेरेंट्स कांटेक्ट तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस कल अगर फर्स्ट डे पर देखते हैं कितने बच्चे ज्वाइन होते हैं उसके बेसिस पे पता चल जाएगा सर। बिल्कुल, एक दो दिन जो है थोड़ा ट्रायल बेसिस पे चलेगा। हाँ। और बाकी सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है जो आज जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। जयप्रकाश आप सुन रहे हैं, जयप्रकाश आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल आप कनेक्ट होंगे ना? अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करके बोलिए जयप्रकाश। जयप्रकाश जी म्यूट हो रखा है, आपका माइक म्यूट हो रखा है, सामने वो माइक को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो माइक को, फिर आवाज आपकी आएगी। लेफ्ट साइड में नीचे होगा जो ये रेड, अनम्यूट करो बेटा। हाँ कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, कल आप ज्वाइन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप ये आपकी पेरेंट्स की ड्यूटी है कि आप टाइम पे बच्चों को तैयार रखें और ज्वाइन करवा के, बेशक आप बच्चों को प्रॉब्लम है आप उसको ज्वाइन करवा के और आप आ जाइए, बच्चा सुनता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टाइम आपको बता दिया जाएगा, टाइम बिल्कुल बता दिया जाएगा, पहले ही एडवांस 1.5 घंटे पहले बता देंगे। तो अभी फाइनली ठीक है, दो तीन चीजें मैं वापस वही समराइज करना चाहूंगा इसमें, ये कि जो भी बच्चे कल से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एक तो प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप होके और अच्छे से अपना बाल वगैरह कंघी करके, और ऐसे नहीं कि अपना कोई बनियान में बैठा है, ऐसा कुछ भी इनडिसिप्लिन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब भी वो क्लास चल रही है, चाहे वो आधे घंटे की हो 40 मिनट की हो, उसके बीच में ये नहीं कि बीच में उठ के जा रहे हैं, तो अपना पेन नोटबुक कॉपी वगैरह सारा कुछ जो है वहां पे लेके बैठे। और तीसरा ये कि टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास अगर स्टार्ट हो जाएगी आप बीच में ज्वाइन करोगे फिर वो आपका स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो छूट जाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है। और देखते हैं इसके अलावा कोई भी टेक्निकल इश्यूज कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप टीचर को कॉल कर सकते हैं, इसलिए 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले ही आपको लिंक भेज दिया जाएगा इसका क्लास के मीटिंग का, तो पहले ही आप ज्वाइन कर लीजिए और 10 मिनट फिर वेट करके फिर उसके बाद टीचर क्लास स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी के साथ में फिर अब मीटिंग को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस जूम मीटिंग। सर एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। बुक्स वगैरह मिल जाएगी क्या 7th? बुक्स अभी आप 7th क्लास की बुक्स के लिए आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, बुक्स जैसे ही अनलॉक होगा और स्कूल वगैरह खुलेंगे तो उस टाइम पे हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी एक दो दिन सब डिटेल डाल देंगे किस किस क्लास की अवेलेबल। हाँ अभी दो तीन दिन में आपको वो मालूम चल जाएगा कि बुक्स किस दिन मिलेंगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो सिर्फ अभी खुला है तो दो तीन दिन लगेगा अभी बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में। ठीक है, चलिए और किसी को कोई डाउट है कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अदरवाइज वील एंड दिस मीटिंग। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। ओके चलो।